काफी नाम में पता होगा, गौतम अडानी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, जिसमें कि उनपे अमेरिका का कोर्ट ने एक वारंट इशू किया और बोला गया है कि उन्होंने 2000 करोड़ का कोई रिश्वत दिया है या किसी को कुछ किया है, तो उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा गौतम अडानी के ऊपर जो सबसे ज्यादा आरोप लग रहा है अभी के टाइम में, वो ये आरोप लग रहा है कि उनका मोदी से लिंक है। अब मेरा इसमें मानना है कि हाँ, उनका मोदी से लिंक होगा, क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि हमारे देश में जो छोटे से छोटे एक ठीका लेने के लिए उसमें पॉलिटिकली लिंक चाहिए होता है, तो आप ये सोच समझ सकते हैं कि कोई देश का बड़ा बिजनेसमैन हो और उसी किसी पॉलिटिकली लिंक ना हो, ये हो नहीं सकता है। और ये सिर्फ कहना कि इसका सिर्फ मोदी से लिंक है, ये भी कहीं ना कहीं गलत है, कि उनका उतना ही कांग्रेस से भी लिंक होगा, उतना ही उनका बीजेपी से लिंक होगा, उतना ही किसी अन्य पार्टी से उनका लिंक होगा। और ये जो बातें उठती है कि उनका मोदी से लिंक है, ये गलत है, क्योंकि हमारे देश में बिजनेस आप उच्च लेवल पर करेंगे तो आपको पॉलिटिकली सपोर्ट चाहिए ही होगा। अब मंजूर ना हो तो एक छोटा सा लाइसेंस लेके देख लीजिए, हमारे देश के कोई छोटा सा लाइसेंस होगा ना, वो लेके देख लीजिए दुकान वुकान का, तो उसमें आपको पैरवी करवाना ही पड़ता है। तो वो बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बड़ा लिंक है, सिंपल सा बात है। और जो लोग उस पर आरोप करते हैं, जो लोग उस पर आरोप लगाते हैं कि वो मोदी का सपोर्टर है, ये है वो है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में चुनाव हुआ था, उसमें इलॉन मस्क ने क्लियर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था, तो क्या वो गलत है? हाँ, यहाँ एक चीज से गलत हो सकता है कि यहाँ पे खुल के हमारे जो गौतम अडानी है वो खुल के सामने नहीं आके बोल रहे कि हम मोदी को सपोर्ट करते हैं, ये चीज आप बोल सकते हैं, मगर आप ये चीज नहीं बोल सकते हैं कि हमारे देश के कोई बिजनेसमैन है वो पूरा गलत हो सकता है। क्योंकि जब आप बिजनेस खुद करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में लिंकअप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल सपोर्ट के। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के आप इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि गौतम अडानी हमारे देश को लूट रहे हैं, तो आप ही लूट लीजिए। अगर वो लूट रहा है वहां बैठ के, तो तब तो टैलेंट है उसके अंदर। सिर्फ निगेटिव देखना हमारे देश में लोगों को कि अडानी ने ये किया, अडानी ने वो किया, कभी ये चीज कहा है नहीं कोई देशवासी ने बोला कि अडानी ने हमारे देश का नाम रोशन भी किया। एज ए बिजनेसमैन उसने नाम रोशन भी किया है, कई जगह अपने पोर्ट डाले हैं, कई जगह उन्होंने चाइना को बीट किया है, बीट किया उन्होंने चाइना को टेंडर में लेके। बहुत सारे टेंडर है जहां चाइना उठाने वाला था, वहां गौतम अडानी ने अपना टेंडर उठाया। ये सब बातें कोई नहीं करेगा। हमारे देश में अगर बिजनेसमैन कोई उच्च लेवल पर जाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके अंदर लोग इससे आ जाती है कि इतना बड़ा कैसे बन गया, जो फैक्ट बात है। वही गौतम अडानी के साथ हुआ, वो मोदी आए उसके बाद उनका परचम लहरा, ये आप बोल सकते हैं, मगर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका लिंक है, आपका लिंक नहीं है। सबका लिंक है भाई, जो लाइसेंस लेने जाएगा उसको आज के टाइम में नेता या पुलिस का आपको सपोर्ट चाहिए होगा। सिर्फ उस पर आप थोप देते हैं कि वो बिजनेसमैन है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्या कर रहा है वो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेसमैन है। आप क्या चाहते हैं उससे, कि सारा प्रॉपर्टी अपने बांटी दे? वो चाहते हैं क्या आप उससे? कभी आप अलग माइंड से क्यों नहीं सोचते कि वो बिजनेसमैन है? कल कांग्रेस आएगी, कांग्रेस को डोनेशन देगा, कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, कल बीजेपी आएगी, बीजेपी को सपोर्ट करेगा। आपको क्या लगता है वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता होगा? कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता होगा तो राजस्थान से जब राजस्थान में कांग्रेस का सरकार था, तो वहां पे कैसे उसको टेंडर मिल गया था, बंगाल में उसको कैसे टेंडर मिल गया था? तो ये कहीं कहीं कि हमारे देश के बिजनेसमैन को टारगेट करना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अगर अमेरिका ने कोई बात उठाया भी है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात करते थे कि घर के बाद घर में रहना चाहिए, घर की लड़ाई घर में रहनी चाहिए। क्योंकि घर की लड़ाई घर में नहीं रहने की वजह से इंडिया पे कब्जा लगभग 1000 साल था, आपस में एकजुट नहीं रहने की वजह से। आज एक गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका के कोर्ट ने डाल दिया कि अरेस्ट वारंट, तो आप लोग कैसे उसके पीछे पड़ गया? कभी इलॉन मस्क के ऊपर इंडिया का गवर्नमेंट डालेगा तो क्या अमेरिका के लोग इतना खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। मगर हमारे देश के लोगों में ना अपने ही लोगों के प्रति ईर्ष्या बहुत ज्यादा है, मतलब एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि किसी को टारगेट करना है करिए, मगर एक लेवल तक करिए। किसी बिजनेसमैन को इतना मत टारगेट करिए कि वो सोच में पड़ जाए कि हम किस देश में बिजनेस कर रहे हैं। आज अमेरिका बिजनेस में क्यों आ गया, वहां पे स्टार्टअप क्यों ज्यादा आती है, क्योंकि वहां पे इतनी पॉलिटिक्स नहीं है जितनी पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं। वहां पे भी बिजनेसमैन को पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं, मगर अपने बिजनेसमैन को लोग खाते नहीं जैसे आप लोग खा रहे हैं। जैसे आज अडानी के पीछे पड़ गए, उनको खाने के पीछे पड़ गए, किस आदमी को बर्बादी कर देना है।
अरे बर्बाद होगा तो किसका नाम बर्बाद होगा, इंडिया का नाम बर्बाद होगा। हम अब मानते हैं कि उसने कुछ गलत किया हो, ये भी चलिए मान लेते हैं 1%। तो इंडिया की कोर्ट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, देखेगी समझेगी, मगर आप अपने आदमी का नाम खराब करेंगे वर्ल्ड में तो आपका नाम खराब हो रहा है ना। आज आप अपने आदमी का नाम आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आपके लिए लॉस है। गौतम अडानी का कोई लॉस नहीं है। गौतम अडानी तो मुझे लगता है इतना कमा लिया होगा कि वो अपना जिंदगी ऐसे जी सकता है। आज उसका शायद मुझे लगता है, मैं जितना अपने आप से समझ पाता हूं, वो एम्पायर अपना वर्ल्ड में खड़ा करना चाहता है इंडिया से ज्यादा, क्योंकि इंडिया का कोई ऐसा बड़ा बिजनेसमैन अभी तक नहीं बना है। जब पूरा टाटा है, मानते टाटा है, मगर उस लेवल का कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना है जो पूरा वर्ल्ड पे दबदबा बना के रखे। अब वो इसी कारण नहीं हो रहा है। आज अडानी वर्ल्ड में दबदबा बना रहा है, बड़े बड़े पोर्ट अडानी टेंडर ले रहा है, इससे हमारे देश के जो अगल बगल के देश हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है गौतम अडानी की वजह से, कि गौतम अडानी का जो बिजनेस माइंड है वो एग्रेसिव माइंड है। मैंने जितना अभी तक समझा है, मैं कोई बिजनेसमैन तो हूं नहीं, पर मैंने जितना समझा है उनको, वो एग्रेसिव माइंड से चलते हैं, कि उनके आने के बाद बाहरी जो टेंडर है उनमें उनका बहुत ज्यादा रुचि दिखाई दिया है, जो वर्ल्ड के, जो इंडिया के बाहर है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जो गलत सही है वो हमारे देश के लोग आपस में मिलकर बात करें, आपस में डिस्कस करें, आपस में सोल्यूशन निकाले। कोई अमेरिका का कोर्ट आज निकल के बोल देगा कि हाँ गौतम अडानी चोर है तो आप मान लेंगे, चलिए होगा भी तो नहीं मानेंगे। मेरा तो ये मानना है, मैं एज ए देशवासी अपना बात करता हूँ, जब तक मेरे देश के कोर्ट नहीं बोले। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।